हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ मामले में पुलिस का बड़ा दावा, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि एक आरोपी बालिग है। तो कठुआ मामले में जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ा दावा किया है। पकड़े गए एक नाबालिग आरोपी को पुलिस ने बालिग बताया है। रेप और हत्या के इस आरोपी के मामले में पुलिस ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने की भी तैयारी की है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि आरोपी नाबालिग के पिता ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वो फर्जी हैं। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, ये बड़ी बात है कि पुलिस दावा कर रही है आरोपी अब जो है बालिग है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें जो एक नाबालिग बताया गया है, कोर्ट में जो निचली कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी कि जो एक आरोपी पकड़ा गया है वो नाबालिग है, लेकिन क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा किया है, जांच की है, जिसमें पता चला है कि वो बालिग है। उसके घर वालों ने जो दस्तावेज दिए थे वो फर्जी पाए गए हैं, क्योंकि जिस तिथि को उन्होंने फर्जा दस्तावेज में बताया है कि हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ है, उसी डेट पे हीरानगर हॉस्पिटल में कोई भी उस नाम की लेडी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। और साथ ही जो 14 साल पहले आरोपी के पिता ने जो दस्तावेज हीरानगर तहसील में दिए थे उनमें भी गलती पाई गई थी, उसके आधार पर ही पूरी जाँच की गई। और क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो आरोपी है वो बालिग है, नाबालिग नहीं है। और 6 जून को यानी बुधवार को पठानकोट कोर्ट में यहां पर ये सुनवाई चल रही है, वहां पर इसकी भी सुनवाई होगी, और जम्मू हाई कोर्ट में भी इसे लेकर जो क्राइम ब्रांच है वो दावा करेगी, और क्राइम हाई कोर्ट में भी 6 जून को इस पर सुनवाई हो सकती है। जी पवन, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया।